दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी गाड़ी के एसी को बेहतर तरीके से किस तरह यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी गाड़ी की कूलिंग बहुत अच्छी होगी और साथ में फ्यूल एवरेज भी आपकी अच्छी आएगी। आए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होगा यकीनन आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है। हमेशा स्टार्ट करिएगा, कोशिश करिएगा जब स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपकी जो है ना वो लाजमी क्लच पे पाँव होना चाहिए। अक्सर औकात इस तरह हो जाता है कि गियर मैनुअल गाड़ी होती है तो गियर वगैरह लगाना पड़ता है या लगा हुआ होता है, तो अगर आपकी गाड़ी का क्लच आपने दबाया होगा ना तो फिर आपको गियर लगाना या ना लगाना वो इशू नहीं होगा। सबसे पहले हमने गाड़ी ऑन की, ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि आप गाड़ी की जो एयर है, जो एसी की एयर है, वो आप कहाँ पे लेना चाह रहे हैं। हमें ये रिक्वायर्ड है मुंह पे, ठीक है, स्ट्रेट आपके मुंह पे हवा आए। इसके लिए आप ये सेटिंग को मुंह पे लेके आएंगे, ये चेक करें। उसके बाद दूसरी चीज़, आपने ये कंट्रोल पैनल देखा होगा, इसमें ये होता है कि जो हीट की सुई होती है ना, ये मैक्सिमम आप अगर हीटर चलाना चाहेंगे तो ये हीट पे आप लेके जाएंगे सर्दियों में जो कि यूज़ होती है, लेकिन आपने इसको लेके आना है कूल पे, सी पे, क्योंकि आपको गर्मी में एसी ऑन करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कराना है पंखा ऑन करना है, पंखे का बटन ये लगा हुआ है। कोशिश करें कि आपने दो से ऊपर नहीं जाना, अगर आप दो से ऊपर नहीं जाएंगे तो आपकी गाड़ी की जो कूलिंग है ना वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसमें हवा का फ्लो तो कम होगा लेकिन कूलिंग मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरा, इसमें आपने इसके ये चीज़ करने के बाद आपने ये चेक करना है कि इसकी कहीं फ्रेश एयर ऑन तो नहीं है, इस साइड पर तो नहीं है। आपने इसको फ्रेश एयर ऑफ करके इस साइड पे लेके आना है ताकि आपको एसी की हवा जो है ना वो मैक्सिमम मिले। जब ये चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपने यूज़ करना है एसी का बटन ऑन करने के लिए, जैसे कि ये मैंने कर दिया। ये देखें दोस्तों, अब ये एसी स्टार्ट हो गया हुआ है और ये अच्छी आपको जो है ना वो कूलिंग दे रहा है, एयर दे रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।